हाँ, इंतजार तो है उनका, वो भी बेसब्री से। अरे लगता है वो आ गई। मुझे पता था फराज आपको मना कर ले आएंगे। तुम लोग बहुत जिद्दी हो। मैं थोड़ी ज्यादा। थैंक यू फराज। किस लिए? अम्मी को घर लाने के लिए। कैसे नहीं लाते? तुमने बात ही ऐसी कर दी थी कि ना मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आकर खुश नहीं है। जाहिर है, नई जगह, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। एक बात बताओ ऐसा। जी पूछिए। कभी अपने फैसले पे पछताओगे तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आपको और अम्मी को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। कितनी दफा कहा है कि आराम से एक तरफ बैठी रहा करें। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए बस कुछ भी करने की जहमत मत किया करें। जीप से बस मोल ले लिया, समझ नहीं आता कैसे जान छोड़ा। बेटा तुम मुझे वहीं छोड़ो, मैं वहीं ठीक थी। मुझे भी यही लगता है कि आपको वहीं छोड़ाना चाहिए। आते हैं ना करास तो उनसे कहती हूँ आपको छोड़ा, क्योंकि आप वहीं रहने के काबिल हैं। अम्मी 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 फराज। दवाई दी अम्मी को? अभी दी। वैसे कितनी रौनक हो गई ना अम्मी के आने से। हाँ बच्चों की कमी तो महसूस ही नहीं होती। वैसे मुझे फख्र है तुम्हारे इस फैसले पर कि हमने एडॉप्शन के लिए किसी यतीम खाने का नहीं बल्कि एक ओल्ड एज होम का इंतखाब किया।